के झूठ से, सेठ के झूठ से तुम्हें इतना दुख होगा, तुम्हें इतना दुख होगा, तुम्हें इतना दुख होगा। Thank you.
जिंदगी तारे हम जमीन पर ले आए, हम लाए बन के जाने कहां, दिल मिल गए हम तो चले थे दोस्त बन के जाने कहां, दिल मिल गए पता नहीं अब उस नए पेशेंट का क्या होगा यार। अरे भैया वही होगा जो मंजूर है खुदा होगा। हाँ लेकिन उसे सही मेडिसिन तो मिलनी चाहिए, नहीं तो उसकी हालत और क्रिटिकल हो सकती है। हाँ वो पेशेंट कुछ ज्यादा बोलता भी नहीं है, लेकिन एक टैलेंट उसमें जरूर है, वो बहुत डिफरेंट टाइप्स की आवाजें निकालता है। ठीक कहा, जैसे कि गाइस ये कोई टैलेंट नहीं है, उसको इंडाइजेशन है, शायद इस वजह से उसके पेट से अलग अलग आवाजें आ रही होंगी। I wonder वो क्या खाता होगा। भाई ढोकला खमंड पापड़ा थेपला। तुम्हें कैसे पता? अरे गुज्जू है ना, सब गुज्जू यही खाते हैं। और उसने भी वही खाया होगा और इसलिए बाथरूम में जाने के बजाय सीधा हॉस्पिटल पहुंच गया। लेकिन एक मिनट ना गाइस, गुज्जू खाना एकदम यमी होता है। हाँ और वैसे भी यहाँ पे ना गुज्जू मेजोरिटी है, मैं नैना सू और हाँ सिड भी और वो गुजराती पेशेंट भी और बहुत जल्द मैं भी। क्या तुम उस गुज्जू पेशेंट की बेटी के साथ शादी करने वाला है क्या? अरे डक्कन नैना से शादी करूंगा ना। समझा डफोट। प्यार के लिए क्या क्या करना पड़ता है ना नैना। अरे भैया ये प्यार होती है ऐसी चीज है ना फ्लावर जी, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती। पता नहीं उन तीनों पर क्या बीत रही होगी। तुमसे बात करनी है जी। जो बात मैं तुमसे करने आई हूं वो बैठ कर नहीं हो सकती। हमारे बीच में बहुत सी बातें हो चुकी, बहुत कुछ पूछना चाहती थी तुमसे, लेकिन अब कहने सुनने से क्या फायदा। वैसे भी मैं अब तुमसे झगड़ना नहीं चाहती। अफसोस मुझे इस बात का है, तुम लोगों ने हमें बताए बगैर शादी कर ली। दिल में कोई खोट था इसीलिए तो हमसे नहीं पूछा, वरना माँ बाप से पूछे बगैर कोई ऐसा करता है? नहीं आंटी वो एक्चुअली
हालात ही कुछ ऐसे थे कि तुमने हमें पूछना जरूरी नहीं समझा, तो बाद में पूछ लेती, लेकिन वो भी तुम्हें ठीक नहीं लगा। तुमसे गुस्सा होने से क्या फायदा जब अपना ही सिक्का खोटा है। गुस्सा तो मुझे सिद्धांत पर होना चाहिए। सिद्धांत ने तुम्हारे पूरे खानदान के सामने शादी की, साथ फेरे लिए और अपने खानदान के साथ लोगों को बुलाना भी जरूरी नहीं समझा, और तुम्हें तुम्हें बुरा नहीं लगा। हम में से कोई भी नहीं आया तुम्हें आशीर्वाद देने। चलो छोड़ो, जो होना था सो हो गया, अब रोने से क्या फायदा। लेकिन अब जो होने वाला है अरमान, मैंने अरमान की आंखों में तुम्हारे लिए प्यार देखा है, और ऐसा ही प्यार मेरे बेटे सिद्धांत की आंखों में झलकता है। अगर मेरे बस में होता तो मैं ये रिश्ता कभी ना होने देती, लेकिन क्या करूं, मेरे बेटे ने मेरे हाथ बांध दिए। चाहूं ना चाहूं तुम मोदी खानदान की बहू, हमारी बहू, मेरी एक बात ध्यान से सुन लो, मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकती हूं, लेकिन अपने बेटे का दिल टूटता बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं आज से अभी से सब कुछ भूलने के लिए तैयार हूं, सिर्फ शर्त ये है कि तुम्हारे और सिद्धांत के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए। तुम मोदी खानदान की बहू हो और उम्मीद करती हूं कि तुम हमारे खानदान की बहू की तरह ही रहोगी। हमारे खानदान की इज्जत तुम्हारे हाथ में। तुमने भी मुझे अकेला छोड़ दिया, तुमने भी मुझे अकेला छोड़ दिया, तुमने भी मुझे अकेला छोड़ दिया, तुमने भी मेरा दिल तोड़ दिया, तुमने भी मेरा दिल तोड़ दिया, तुमने भी मेरा दिल तोड़ दिया। सिस्टर क्या हुआ? डॉक्टर, पेशेंट काफी क्रिटिकल है, उनको हार्ट अटैक हुआ है। इनकी तो पल्स भी बहुत हाई है, अब चलिए जल्दी लेकर चलिए, डॉक्टर कीर्ति को बुलाइए। मैम हार्ट अटैक है, पेशेंट का बीपी भी बहुत हाई है। आइए मैं लेकर चलिए वार्ड बॉय, बाकी इंटर्न्स के साथ साथ डॉक्टर अरमान और डॉक्टर रिधिमा, उन दोनों को भी पेश कर दीजिए। भी बोलिए मेजर। संजीवनी में 3 नए केसेस आए, एक हार्ट पेशेंट, एक को सियाटिका की पेन है, और जो तीसरा पेशेंट है वो पिछले 2-3 दिन से कुछ खा नहीं पा रहा। स-
सिद्धांत मेरा पति है, सिद्धांत मेरा पति है, सिद्धांत मेरा पति है, सिद्धांत मेरा पति है। और मैं चाहती हूं कि ये तीनों केसेस आप लोग मिलकर हैंडल करें। डॉक्टर अरमान, डॉक्टर रिदिम, एक हार्ट पेशेंट, वेरी क्रिटिकल। मैं चाहती हूं कि ये केस आप दोनों मिलकर हैंडल करें। प्लीज इफ यू डोंट माइंड, मुझे इस केस से एक्सक्यूज कर दीजिए। डॉक्टर रिधिमा, आप ये बात शायद भूल रही हैं कि इस हॉस्पिटल में कौन सा डॉक्टर कौन सा केस हैंडल करेगा ये मैं डिसाइड करती हूं। एक्चुअली डॉक्टर कीर्ति, मैं पिछले 24 घंटे से ड्यूटी पर हूं, अगर कोई और ही केस हैंडल कर ले तो। ओके डॉक्टर सिद्धांत, क्योंकि आप इस केस में मेरे साथ थे इसलिए आप डॉक्टर रिधिमा को इस केस में असिस्ट करेंगे। मैम प्लीज इफ यू डोंट माइंड, इस केस में कौन सा इंटर्न मुझे असिस्ट करेगा प्लीज, क्या मैं ये खुद डिसाइड कर सकती हूँ? ऑफ कोर्स, आप तो सब कुछ खुद ही डिसाइड कर सकती हैं। अपने लिए इंटर्न्स खुद चुन सकती हैं, अपने लिए केसेस खुद चुन सकती हैं। ये एक काम कीजिए ना, मेरी जगह इंचार्ज भी आप ही बन जाएं। नहीं मैम, मैं इनफ डॉक्टर रिधिम, ये हॉस्पिटल है आपके घर का ड्राइंग रूम नहीं, जहां आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। यहां हम अपने पेशेंट्स के केसेस को सॉल्व करने के लिए आते हैं, और अगर आप लोग एक डॉक्टर होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभा सकते तो प्लीज आप सभी रेजिग्नेशन दे सकते हैं। इंटर्न्स, अगर आप लोगों का तमाशा खत्म हो गया हो तो प्लीज बैक टू वर्क। जिंदगी ने मुझे किस दो राह पर खड़ा कर दिया है, ना तो मैं पीछे मुड़कर देख सकती हूं और ना ही आगे कदम बढ़ा सकती हूं। सब कुछ थम सा गया है मेरी जिंदगी में।